नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पीडीडी के एम्प्लॉयज की स्ट्राइक आपको याद होगी, आज से एक महीना पहले काफ़ी दिन तक ये हड़ताल चली और जिसके बाद कई सारे इलाकों में ब्लैकआउट भी हुआ, जिसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने तबाहतोड़ इस पर जो बातचीत है वो करना शुरू कर दिया। और बातचीत के बाद 21 तारीख की रात को एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा और उसके बाद ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी जाती है और एम्प्लॉयज़ अपने काम पे लग जाते हैं। इतनी सर्दी में चाहे कश्मीर हो या जम्मू हो, बिजली को दुरुस्त करने के लिए, बिजली को लगातार पावर सप्लाई बाधित ना हो उसको लेकर पावर एम्प्लॉयज़ बिजली के विभाग के कर्मचारी लगातार अपना काम करते रहते हैं। लेकिन आज एक महीने के बाद फिर से पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होना पड़ रहा है और वजह क्या है वो वजह जानेंगे जो कन्वीनर हैं इनके, सचिन टिक्कू जी और जयपाल शर्मा जी भी हैं जो चेयरमैन यहाँ पे हैं, इनसे जानेंगे क्या वजह है कि आज एक बार फिर से ये मीडिया के सामने आए हैं। सर, क्या वजह है कि एक महीने के बाद दोबारा से आपको मीडिया के सामने आने की ज़रूरत पड़ी है? देखिए, पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सेंसिटाइज करना चाहती है कि जो एक महीना पहले, एग्जैक्टली आज एक महीना पहले हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया रात को 12 बजे, उस चीज को पूरा एम्फेसाइज किया गया। उसमें कुछ बुलेटेड पॉइंट्स थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन, जिनकी डीपीसीज क्लियर हुई, मींस एम्पावर्ड कमेटी ने जिन लोगों की प्रमोशन को, मींस उनकी रेगुलराइजेशन को हरी झंडी दे दी, उन लोगों को आज ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, कभी जीएडी में, कभी फाइनेंस में, कभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, कहीं भी उलझाया जा रहा है। अगर एम्पावर्ड कमेटी में अंडर रूल्स उनको रेगुलराइज होना था तो उनको क्यों नहीं किया गया एक महीने से? हम कोई ब्लैंकेट नहीं कह रहे हैं कि आप सभी को आज ही रेगुलराइज कर दीजिए, जिनका ड्यू है, जो एलिजिबल है उनको रेगुलराइज कीजिए। सेकेंडली, जो लोग पोर्टल पर नहीं चढ़ पाए थे, जिनकी सैलरी वेजेस 6,000 रुपए उनको वेजेस थे, वो नहीं दिए जा रहे हैं पिछले 1.5 साल से, वो लोग सफर कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आप उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वेट भी कर रहे हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं लेकिन उनको जो है एनआईसी नहीं, उनकी पोर्टल नहीं कर रहे हैं, उनको वेजेस नहीं दे रहे हैं, उनकी सिर्फ तारीफ करने से कि भाई इन्होंने बिजली चला दी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके घर पे चिराग नहीं चल रहा है, अंधेरा है, उन लोगों की बात करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी जो है पीडीडी को सुपरसीड करके वो अलग से एग्जामिनेशन कर रहा है हर एक प्रपोजल की, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, जो कि 15 दिन में कोई चीज होनी थी वो आज 2 महीने लग रहे हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की फाइल 2 महीने के बाद ऑब्जेक्शन के साथ वापस आती है, सिमिलरली हमारे डेली वेजेस की फाइल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में है। तो कोई भी चीज एंडलेसली परस्यू करना हमारा काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के बीच ना जाके गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइज करना भी हमारा काम है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम गवर्नमेंट को फिर से आज रिन्यूड जील से अपील करना चाहते हैं, उनको रिन्यूड जील से अक्रॉस द यूटी हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने भी एम्प्लॉयज को कि आप मुस्तैदी से काम कीजिए, हम आपके लिए बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगले 15 दिन तक हम गवर्नमेंट बात करे और काम करे। बेसिकली ये सब ऐसे इश्यूज हैं, इसमें कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये एक रेगुलर इश्यू है। एक चीज जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पिछली बार जब इन्होंने आपसे बातचीत की ही, लगातार जब आपकी स्ट्राइक चल रही थी, ब्लैकआउट्स हो रहे थे, इन्होंने फटाफट से आपसे बातचीत करना शुरू किया और एग्रीमेंट रातों रात साइन करवाया गया, क्या लगता है आपको वो सिर्फ स्ट्राइक खत्म करवाने के लिए था वो एग्रीमेंट, या फिर गवर्नमेंट इस मामले में संजीदा भी थी? गवर्नमेंट के डिसीजन जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव स्टेप और बड़े कंक्रीट माने जाते हैं। गवर्नमेंट को हम इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया तो उनकी मंशा नहीं थी, मैं इस चीज को कतई नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि लेकिन वो अपने ही डिसीजंस को, जो वहां पे इंप्लीमेंटेशन में जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं, जिस भी चैनल पे वो रुक रही हैं चीजें, वो हाईएस्ट लेवल पे रिव्यू होना चाहिए ना उनका। अगर कोई चीज एग्रीमेंट की जाती है लेकिन उसको अमल में लाने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है पूरा, एक ऊपर से नीचे तक एक सरकारी तंत्र है, अगर उस तंत्र में कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से हमारे लोग सफर कर रहे हैं, तो उसको रिव्यू करना भी तो उस कमेटी का काम है जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। आज हम यही अपील करते हैं कि वो कमेटी, उस कमेटी, उन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स को एसेस करे कि भाई इनका काम क्यों नहीं हुआ है। ये कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आज ही आप 10,000 रेलवे जो परमिनेंट कीजिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम ये कह रहे हैं जिनकी डीपीसी हुई है उनके अंडर रूल्स कर रही है उनको, ऑब्वियसली उन्होंने कर भी दिया है, सिर्फ एक लकुनाज आपस में ढूंढ के हम उनका काम रोक रहे हैं तो वो सही नहीं है। या तो आप उनको बोल दीजिए कि आपकी जरूरत नहीं है, तो आप उनसे काम भी ले रहे हैं, उनको पब्लिक रिलेशंस में उनसे उनको तारीफ भी कर रहे हैं, पीआर एक्टिविटी भी सब कुछ हो रही है। जब किसी की इलेक्ट्रोक्यूशन होती है डेली वेजर की, उसके परिवार को बोला जाता है ये प्रोविजन नहीं है इसको SRO 43 का,
मींस उसके परिवार में किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती क्योंकि वो डेली वेजर है, जबकि उसने 20 साल तक एज ए डेली वेजर काम किया है और वो सातवें साल के बाद एलिजिबल था रेगुलराइजेशन के लिए। तो गवर्नमेंट को इन इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहिए कि भाई कम से कम उसको रेगुलराइज करें, क्योंकि उससे दो काम होंगे, एक तो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, एक SRO 43 का कवर मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे खतरे के साथ काम कर रहा है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं कंटिन्यूअसली जो है सिमिलरली प्लेस डिपार्टमेंट जो R&P वगैरह में, वहां पे 2012-13 के भी जूनियर इंजीनियर्स प्रमोट हो गए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 2009 का भी जूनियर इंजीनियर 100 पोस्ट होने के बाद अभी तक उसको प्रमोशन नहीं हो रही है। हर एक की जील को इफेक्ट कर रहा है ना ये। 20,000 मुलाजिम आपने ऐसे डिपार्टमेंट में एंगेज रखे हुए हैं जो कि पूरा 24 घंटे काम करता है, और उन लोगों की अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो हम एज ए कोऑर्डिनेशन कमेटी कब तक उनकी म्यूटिनी को रोकेंगे जी। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने 15 दिन का वक्त दिया है सरकार को कि 15 दिन के अंदर अंदर इन चीजों को रिड्रेस किया जाए, नहीं तो आप लोग एजिटेशन पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हमें फिर से वो एक महीने पहले वाली जो स्थिति थी, जिस प्रकार से वो एजिटेशन हुआ था, जहां ब्लैकआउट्स हुए थे, क्या वैसी स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर में? राइट टू प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेटिक मैनर हमारा राइट है। What will be the medium of the protest will always be decided after 15 days in consultation with all the stakeholders in Jammu and Kashmir, both the provinces. कोई भी चीज रश करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को भी, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को ये एनालाइज कराना चाहते हैं कि अगर हमारे लोग काम करने से बैठ गए तो आपके लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और आप उनका काम करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? गवर्नमेंट इज फॉर द पब्लिक, पब्लिक के ही तो ये लोग है ना, सोसाइटी का ही तो पार्ट है। तो अगर उनके इश्यूज रिजॉल्व करने की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी ऐसा दोराई नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर कटिंग जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फैल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो PDD एम्प्लॉयज हैं वो 1 तारीख के बाद स्ट्राइक पर दोबारा से जा सकते हैं और दोबारा से ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आप उन चीजों को क्या कहना, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पेकुलेशंस को अवॉइड करना चाहता हूं मैं, उनको कहता हूं कि ये स्पेकुलेटिव चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको टाइम बाउंड इस तरीके से कहेंगे कि 1 तारीख को वर्क बाइकआउट है, ऐसा कोई कॉल नहीं है हमारी तरफ से। हमारा सिर्फ ये है 1 तारीख को हम रिव्यू करेंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्मेटिव एक्शन लगता है ग्राउंड पे, हमें लगता है पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें बढ़ी हैं, हमारी फाइल्स जो है किसी स्टेबल से कहीं पहुंची हैं, और क्यों नहीं, अप्रूवल्स क्यों नहीं आएंगे मुझे बताइए ना, क्या रोकता है सरकार को? सरकार सिर्फ एक रेकनिंग डे को वेट करना चाहती है क्या? मतलब आज मान लीजिए 1 तारीख नहीं, 20 तारीख, फिर क्या ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा क्या? मतलब हम लोगों को कोई शौक थोड़ी है कि हम 1 तारीख की जगह इसको बोलेंगे आज 15 फरवरी, फिर हम कहेंगे 1 मार्च, फिर कहेंगे इलेक्शन आ गए। तो लोगों को भी रिलीफ देने की इंपॉर्टेंस है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया उनको अपना हक दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था मेरे साथ सचिन टिकू जी, जो कि कन्वीनर है JKPEEEC के, और इन्होंने सारी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में 1 तारीख को जो पावर एम्प्लॉयज हैं, PDD एम्प्लॉयज हैं, वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी स्पेकुलेशंस पर फिलहाल विराम लगा दिया गया, और आने वाले दिनों में जो टाइम एक तो अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, और दूसरी तरफ ये चीज़ भी कही गई है कि ये रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, उसके बाद कोई भी ऐसा फैसला जो है वो लेंगे, क्योंकि ऐसे फैसलों से कहीं ना कहीं आम जनता को भी बहुत परेशानी होती है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले ये लोग रिव्यू ज़रूर करेंगे पूरी सिचुएशन को।